सारे प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं गगनदीप कौर मानशाह जी स्वागत करती हूँ तुहाडा मॉम्स पैराडाइस किचन चैनल पर। अब मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी मिठे पीले चौलों की रैसपी, बसंत पंचमी स्पैशल रैसपी है। ये मैं देखो पतीले में पा लिया देसी घ्यो, और देसी घ्यो आप तड़का लैना चौलों में, तीन चार लौंग तो इलायची, ये आप तड़का लावांगे क्योंकि इलायची तो लौंग का बहुत ही वधिया फ्लेवर आता चौलों से। तो तुम भी देसी घ्यो यूज़ कर रहे हो, देसी घ्यो का बहुत अच्छा फ्लेवर बनता राइस का। तो मैं एक गिलास पानी पाता, सॉरी मेरा कैमरा ऑफ रह गया, यह दूसरा गिलास पानी पाया मैं, तो तीसरा गिलास ये पानी, ये तीन गिलास मैं पानी पा रही हूँ, और इसे सेम गिलास नाल ही मैं डेढ़ गिलास मैं चौलों का यूज़ कर रही हूँ, जिन्हें चौल उस तो डबल पानी। ये थोड़ा जहा येलो फूड कलर पा रही हूँ, और ये हम पावे एक गिलास चीनी का, डेढ़ गिलास चावल, तीन गिलास पानी, एक गिलास चीनी का। गिलास आप एक ही रखना, उस तो बाद आप चावल धो के पा देंगे, जिमें पानी उबाल आऊगा आप चावल धो के पा देंगे, तो उन्हें कवर करके आप पकावे। गैस आप मीडियम रखना, फ्लेम हाई नहीं करनी है, मीडियम फ्लेम से आप पकन देवे चौलों, और बिच बिच ना हिलाते रहो क्योंकि आप चीनी पाई है, कई बार होंगे चीनी नीचे चिपकन लग जाती है, इसलिए आप हिलावे नमकीन चौल तो आप नहीं बारी बारी हिलाते, पर मिठे चौल जिमें आप चीनी यूज़ कर रहे हैं तो आप इनू थोड़े थोड़े टाइम बाद हिलावे और मीडियम फ्लेम से इन्हों पकावे, तो फिर नीचे ना लगन, इसलिए इन्हों एक बार हिला जरूरी है। बहुत ही टेस्टी राइस बनते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का। ये आप पावे देसी घ्यो और पा रही हूँ मैं, क्योंकि देसी घ्यो ना ही यदा फ्लेवर बनना राइस का, बहुत वधिया फ्लेवर आता देसी घ्यो यूज़ करते हैं आप, घ्यो भी थोड़ा खुला ही पैंता इसलिए थोड़ा दिल खोल के घ्यो पा लो, घ्यो ना ही टेस्टी बन गए राइस। इन्हें अपने चावल बन रहे हैं, आप करते हैं कि पैन में इवें पाया देसी घ्यो, चमचक देसी घ्यो तो पा के ड्राई फ्रूट का पिस्ता बदम काजू, इवें तीन चीज़ा यूज़ कर रही हूँ, बाकी तुम अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हो, वो भी थोड़े को अवेलेबल है। इन्हें थोड़ा आप रोस्ट कर लाने देसी घ्यो में, फिर रोस्ट करे हुए ड्राई फ्रूट का ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता, आप हल्का जहा रोस्ट कर लाँगे जब तक ब्राउनिश कोटिंग नहीं ना उपर हो जाए, बस उन्ना के आप फ्राई करना, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करने, लगभग एक दो मिनट के रोस्ट हो जाते हैं। बसंत पंचमी आ रही है तो बसंत पंचमी कहते हैं भी पीली चीज़ बनाते हैं, मिठी चीज़ हो गई पीले रंग की, तो सोचा मैं भी चौल मिठे बना लाने आप भी। रोस्ट हो गए, मैं गैस करता बंद, काजू तो बादाम हल्के जी ब्राउन होने लग गए, गैस ऑफ करता, तो आप इन्हें रख देने साइड पर, चावल बन गए आप फिर ऐड करा, चावल लगभग बन गए, बस आप ये पा देने ड्राई फ्रूट रोस्ट करे हुए, थोड़ा जहा ड्राई फ्रूट मैं बचा लेंगे क्योंकि आप जब सर्व करा बाद ना उपर मैं गार्निश करा राइस, तो थोड़ा जहा मैं बचा लिया। ड्राई फ्रूट का बहुत ही वधिया फ्लेवर आएगा राइस में, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, और बहुत ही सिंपल जहा ही तरीका बनाने का। तो हम अपने ढक्के 15-20 मिनट लिए रख देने, उस तो बाद आप सर्व करा ताकि अच्छी तरह स्टीम ना होर भी अच्छी तरह पक जाने, ही 15-20 मिनट हो गए इन्हों पियान, तो आप हम आप करते हैं सर्व। देखो बहुत ही वधिया कला कला चावल होगा, बहुत ही अच्छे बने ने, स्टीम लगाने बाद भी चौलों में बहुत जरूरी है, एकदम तुरंत तुम एकदम सर्व ना करो जो बन गए, कम से कम 15 मिनट इन्होंने जरूर रखो ढक के, आप सर्व कर लाने, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है चावल चो, इलायची का फ्लेवर जो ना पानी उबलता वह फ्लेवर बहुत अच्छा बन जाता। फिर बसंत पंचमी के साहब बहुत बहुत मुबारक, हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल। तो मेरी अज की वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ वीडियो में लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि वीडियो शूट करने बहुत मेहनत लगती है, तुहाडे कोल सिर्फ 5-6 मिनट की वीडियो पहुँचती है, पर वीडियो शूट करने टाइम कढ़ना, वीडियो एडिटिंग करनी काफ़ी ज़्यादा टाइम ये कढ़ना पैंदा, मेहनत लगती है। सो वीडियो में लाइक प्लीज़ जरूर कर दिओ, चैनल में सबसक्राइब करके जाओ, और मिलते एक नवी रैसपी लैके, टिल दैन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।